हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 28 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो आज का पहला अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मेडटेक मित्र पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रघुराम राजन की नई बुक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अदुदम आंध्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम 2.0 शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को रुपये में भुगतान किया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने MPhil डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। अब इनको हम एक एक करके आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। इसका पहला अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडटेक मित्र पहल की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह पहल इनोवेटर को सशक्त बनाने और हेल्थ केयर समाधानों को आगे बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल है और यह किफायती गुणवत्ता वाले मेडटेक उपकरण और डायग्नोस्टिक के स्वदेशी विकास की सुविधा प्रदान करेगा और भारत वर्ष 2047 तक देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। और ये अनुमानित है कि भारत में मेडटेक वर्ष 2030 तक $50 अरब का उद्योग बन जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में रघुराम राजन की नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक जारी की है और यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर लिखी गई है। इसमें पूर्व RBI गवर्नर ने बताया है कि भारत कैसे मानव पूंजी में निवेश करके उच्च कुशल सेवाओं और नवीन विनिर्माण के अवसरों का विस्तार करके और भारत को विचारों और रचनात्मकता का केंद्र बनाकर आर्थिक वृद्धि को गति दे सकता है। इसके अलावा वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी गहन जानकारी के लिए प्रसिद्ध रघुराम राजन ने फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फैक्टर स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी जैसी किताबें भी लिखी हैं और यह बुक फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था इस बुक ने। और इसके अलावा उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व, ये इनकी एक फेमस बुक है। इसके अलावा सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, ये भी इनकी एक नेक्स्ट फेमस बुक है जिसमें रघुराम राजन लुइगी जिंगालेस जो कि एक इटालियन राइटर भी हैं और फाइनेंशियल प्रोफेसर भी हैं उनके साथ सह लेखक हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे द्वारा लिखित 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जनरल MM नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक देश के 28वें थल सेना प्रमुख रहे और इस पुस्तक में पूर्व आर्मी चीफ ने वर्ष 2020 में घटित गलवान घाटी सैन्य झड़प का उल्लेख किया है। गलवान घाटी सैन्य झड़प भारत और चीन के सैनिकों के मध्य 31 अगस्त 2020 को हुई थी और इस बुक में जनरल MM नरवणे ने बताया है कि गलवान घाटी के हालात से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया था और कहा था कि जो उचित लगा आपको वो करो। और इस स्थिति का जनरल MM नरवणे ने किस तरह से सामना किया, उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है क्योंकि उस टाइम जो जनरल MM नरवणे थे वही इंडियन आर्मी चीफ थे। और इस पुस्तक में जनरल MM नरवणे ने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया है, इसके बारे में भी अपने विचार उन्होंने इसमें व्यक्त किए हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की सहायता से निर्मित किया जा रहा है और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी तमिलनाडु में निर्माणाधीन है और ये जो हस्ताक्षर साइन हुए अभी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की जो रूस यात्रा है उसके दौरान किए गए। और इस संयंत्र का निर्माण 2002 में शुरू किया गया था और इसकी पहली इकाई जो है 2016 से उसने काम करना शुरू कर दिया है, उससे बिजली भी बनाई जा रही है करंट टाइम में। और इस संयंत्र में कुल 6 इकाइयों का निर्माण किया जाना है
और सर इस पर इसी इसकी जो सभी 6 की 6 इकाइयाँ हैं उनकी टोटल कैपेसिटी है 6,000 मेगावाट। अगर यानी कि जो टोटल 6 इकाइयाँ हैं अगर सभी सभी ऑपरेशनल हो जाएंगी तो यहाँ पर टोटल जो इसकी कैपेसिटी है वो 6,000 मेगावाट हो जाएगी। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सभी 6 इकाइयाँ वर्ष 2027 तक शुरू हो जाएंगी। ऐसी ऐसा अनुमान है कि वो जो जितनी 6 की 6 इकाइयाँ हैं वो 2027 तक सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है और जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने के में सक्षम एक बैक्टीरिया की खोज की है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। और यह बैक्टीरिया कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है, कृषि में बड़ा काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया मिट्टी से पोटेशियम को निकालता है और जो कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, ये इस बैक्टीरिया का काम है। और इसमें धान मटर और मिर्च की खेती को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है इस बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया वाणिज्यिक उर्वरकों का उपयोग कम करके और कृषि की लागत में कटौती करके और फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि जो रासायनिक है जो रसायन जो खेतों में यूज होते हैं उर्वरक जो यूज होते हैं उनको एक तो उनका उपयोग कम करेगा, दूसरा इससे क्या होगा जो कृषि में जो लागत लगती है उसमें कटौती होगी और फसल की पैदावार बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। और एसोसिएशन ऑफ माइक्रो बायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया यानी कि AMI ने इस खोज को आधिकारिक रूप तौर पर मान्यता दे दी है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अदुदम आंध्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर में खेल उत्सव जिसका नाम है अदुदम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और अदुदम आंध्र राज्य के अब तक सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है, यानी कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है ये अदुदम आंध्र। और ये टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2024 तक 47 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में 1,22,00,000 खिलाड़ियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन जैसे कई गेम खेले जाएंगे और यह प्रतियोगिता ग्राम लेवल पर, वार्ड लेवल पर, सचिवालय लेवल पर, मंडल लेवल पर, निर्वाचन क्षेत्र लेवल पर, जिला लेवल पर और लास्ट में राज्य के स्तर पर खेला आयोजित किया जा रहा है और इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट की कुल प्राइज मनी 12 करोड़ रुपये है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम 2.0 शुरू करने की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के और निर्यात को बढ़ाने के लिए IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम 2.0 योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। और PLI स्कीम क्या है, यह है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और अब इसका 2.0 वर्जन IT हार्डवेयर के लिए शुरू किया गया है। और PLI स्कीम 2.0 के तहत 17,000 करोड़ रुपये व्यय करने की मंजूरी दी गई है और IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI स्कीम 2.0 को 6 साल के लिए मंजूरी मिली है और इससे IT हार्डवेयर के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के में आवेदकों की 3 श्रेणियां हैं, एक है वैश्विक कंपनियां यानी कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं, दूसरी है हाइब्रिड मोड में जैसे कि उसमें वैश्विक और घरेलू दोनों आ जाएंगी, दोनों टाइप की कंपनियाँ आएंगी, और तीसरी है केवल घरेलू कंपनियों के लिए। तो 3 अलग अलग श्रेणियों में इसमें जो आवेदक हैं वो आवेदन करेंगे। इस स्कीम में सेमीकंडक्टर डिजाइन, IC निर्माण और पैकेजिंग को भी प्रोत्साहन घटकों के रूप में शामिल किया गया है। यानी जो IT हार्डवेयर आइटम तो वहीं, उसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन हो गए, IC निर्माण हो गया और पैकेजिंग भी इसके अंदर ऐड की गई है। यह योजना 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत को कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्ष्य के अंतर्गत आने वाले सामानों की नेट इंक्रीमेंटल सेल ऑन बेस ईयर पर 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यानी कि कोई कंपनी है जैसे वो IT प्रोडक्ट IT का सामान इंडिया में बना रही है, IT हार्डवेयर इंडिया में बना रही है, तो जो उसका बेस ईयर है उसके ऊपर उसकी कितना उसकी उसने सेल में ग्रोथ किया उस हिसाब से उस पर 5% का औसत जो प्रोत्साहन है, औसत लाभ जो है इसको वो सरकार देगी। इस स्कीम के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ये सारे प्रोडक्ट शामिल होंगे।
इसके अलावा अगर बात करें पहली वाली पीएलआई स्कीम की, तो पहली वाली पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। और इसमें हुआ यह है कि मोबाइल फ़ोन बनाने की देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है अभी, यानी कि ग्लोबल में जितने भी फ़ोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें भारत सेकेंड नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है, और भारत ने वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए होता है, की बेंचमार्क को भी पार कर दिया है। और भारत की पहचान दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता के रूप में होती है, ये पीएलआई स्कीम आने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई है। और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल कम करने के लिए मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव देती है। और योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, और यह विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित करती है। यानी कि जो ये स्कीम है पहला स्कीम है, दोनों पर लागू होती है, चाहे वो ग्लोबल कंपनी हो कि बाहरी कंपनी हो या घरेलू कंपनी हो, दोनों में से कोई भी कंपनी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, और यह घोषणा पीएम मोदी के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन करने के कुछ दिन पहले ही आई है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन यानी कि इस रेलवे स्टेशन और जो नवनिर्मित हवाई अड्डा है श्रीराम एयरपोर्ट उसका उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को रुपये में भुगतान किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो रुपी दिरहम में भुगतान के लिए यूएई के साथ भारत ने जुलाई 2023 में समझौता किया था, यानी जुलाई 2023 में इंडिया और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जब जो आपसी ट्रेड है उसको रुपी दिरहम में करने के लिए यह समझौता किया गया था। रुपी क्या है, रुपी इंडिया की करेंसी है और दिरहम जो है वो यूएई की करेंसी है। और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से भारतीय रुपये में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया है, यानी 10 लाख बैरल तेल मंगाया उसका और उसका भुगतान जो है भारतीय रुपये में किया है। और वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, और यह कदम आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन लागत में कटौती करने और भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत का एक व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। और इसके लिए 11 जुलाई 2022 को RBI ने आयातकों को रुपये में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी दी थी, यानी फ्री हैंड दी दिया था कि जो आयातकों को बोला था आप रुपये में भुगतान कर सकते हैं और निर्यातकों को बोला था आप रुपये में भुगतान ले भी सकते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने MPhil डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की और उसमें कहा कि MPhil डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। इसके अलावा आयोग ने विश्वविद्यालय को भी MPhil कोर्स प्रदान न करने का निर्देश दिया और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए पर भी रोक लगा दी है। UGC इस घोषणा में UGC ने UGC विनियम 2022 पर जोर दिया, जो कि लॉ है UGC का, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में MPhil कोर्स करवाने से स्पष्ट रूप से मना करता है। और UGC विनियम 2022 में PhD डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं का उल्लेख दिया गया है। और अब MPhil के बारे में, MPhil क्या है, तो MPhil के बारे में, MPhil की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, और यह 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है। MPhil काफ़ी हद तक PhD के समान है, क्योंकि यह भी एक मुख्य रूप से एक शोध आधारित कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर UGC की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई, और इसके बाद नवंबर 1956 में संसद से एक अधिनियम पास करके उसके माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया,
और यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और यह विद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रबंधन और मानकों का विनियमन और निर्धारण करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वह है बेंगलुरु में, भोपाल में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कोलकाता में और पुणे में। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।